बात करेंगे कुदरत की, क्योंकि कुदरत के प्रकोप के आगे भी हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा अभी बेबस नजर आ रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, आप देखेंगे कैसे तमाम इलाके जलमग्न दिख रहे हैं, लोग बेबस नजर आ रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। सैलाब के चक्रव्यूह में फंसी इन गाड़ियों का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आया, जहां अचानक आए पानी ने कई गाड़ियों को बंधक बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी की प्रचंड लहरों के आगे गाड़ियां किस तरह बेबस दिखाई दे रही हैं। देखने से लगता है पानी सबको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। होता भी यही है, पानी की लहरों में एक बुलेरो गाड़ी ऐसी फंसती है कि उसका ड्राइवर बचने के लिए छलांग लगा देता है, जिसके बाद गाड़ी कागज की तरह बहने लगती है। और खाई में जाकर गिर जाती है। गनीमत यह रहती है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं होती। लेकिन इस पूरी घटना को एक दूसरा ड्राइवर अपने फोन में कैद कर लेता है, जिसे देखने के बाद हर कोई अंदर से हिल जाता है, क्योंकि ये मंजर इतना खतरनाक था कि किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। लगातार हो रही बारिश ने राजस्थान के बूंदी को कैद कर रखा है। पानी मंदिरों के ऊपर से होकर बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। पानी ने नेशनल हाईवे 148 डी पर ब्रेक लगा दिया। लोग रोड पार करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। तस्वीरों में नजर आ रहा है रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो कहीं से भी धस सकती है और बड़ा हादसे को दावत दे सकती है। क्योंकि इस वक्त रोड ही नहीं, पुल भी बह रहे हैं। लगातार बारिश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। वहीं बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। ऐसे किसी भी नदी नाले से दूर रहने की चेतावनी दी जहां खतरा है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी जहां से बह रही है रास्तों को काटती जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा है, लोग जहां हैं वहीं कैद होकर रह गए हैं। बूंदी में मौसम विभाग हर रोज येलो और रेड अलर्ट जारी कर रहा है। अब तक जिले में 15 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। बिहार के सुपौल के लिए बाढ़ काल बनकर आई। बर्बादी की ये निशान कोसी नदी के दिए हैं, जिसने इन गांव वालों का आशियाना, उनका ठिकाना, उनकी छत, उनकी चार दीवारी सब कुछ छीन लिया। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये निशान, जिसे देखकर रोना आता है। 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। जिला प्रशासन हो, प्रखंड के पदाधिकारी हो, अभी तक सुध लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। भगवान भरोसे दो नदी के बीच में लोग जी रहे हैं। कोसी नदी ने जिन घरों का नामो निशान मिटाया, उसमें एक घर बिहार बीजेपी के युवा नेता मिथिलेश यादव का भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी तबाही होने के बाद भी इन गांव वालों को कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली और न ही किसी भी अधिकारी या अफसर ने इस इलाके का दौरा किया। इन्हें इनके हाल पर आंसू बहाने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की सड़कें कुछ घंटों की बारिश में ही झील बन गई। गाड़ियां चल कम तैर ज्यादा रही। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि सड़क और झील में फर्क करना मुश्किल है। शिवपुरी के कई इलाके जलमग्न हैं। यहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ घंटों की बारिश ने राजस्थान के करौली का नक्शा बदल दिया। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि सबसे व्यस्ततम बाजार तालाब में तब्दील हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे ने हर किसी को भीतर से झकझोर दिया। सूचना मिली थी कि कुआं है, लेकिन यहाँ आके देखा तो गड्ढा था जो 15 फीट लगभग चौड़ाई थी और 20 फीट गहरा था। तो चूंकि चौड़ाई कम थी तो हम लोगों ने अकेली नाव से ही सर्चिंग के द्वारा से निकाल लिया। पड़ोसी कहवे आए कि वो जो है आपका बच्चा गिर गया है, तो पापा आए जब तक रस्सी वस्सी ले करके निकालने के, उन्होंने कोशिश करी काफी, एक घंटे तक लगे रहे वो,
नहीं निकला जब फोन किया फिर हमने उसको क्या दिमाग में आया इधर आ गए जबकि रास्ता तो अपना वैसे इधर से उधर को जाता सीधा इधर कैसे आ गए पता नहीं। दरअसल इस वक्त पानी का ना कोई ओर है ना कोई छोर, उसे जहां से रास्ता मिल रहा है वो वहां बह रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एक पुलिया पानी के प्रहार से भर भरा कर गिर जाती है। ये तस्वीर बड़ी सीख दे जाती है कि अगर किसी नदी या नाले के ऊपर बने पुल से आप गुजर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं उसकी बुनियाद कमजोर तो नहीं हो गई। मध्य प्रदेश राजस्थान में बाढ़ से हालात बद से बदतर हैं। उधर आंध्र प्रदेश के नंदियाल के मछुआरों के लिए 12 अगस्त का दिन खुशखबरी लेकर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे हैं, जबकि एक दिन पहले तक पानी ज्यादा होने की वजह से इनके मछली पकड़ने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही पानी घटा ये अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल गए। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ और बारिश से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बावजूद अभी तक वहां पर कोई प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचा है, कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। ABP News आपको रखे आगे।